चले चलो जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है जो लगान कैसी बनी, मुझे बेहद पसंद आई और जितने लोगों ने देखी थी आज तक सबको इतनी पसंद आई थी। और मैं सोच रहा था कि यार ये मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये फिल्म देख पाएं। हम लोग पूरा हिंदुस्तान जो है फिल्मों को इतना पसंद करता है, तो ख़ास तौर से एक ये पहली फिल्म बनी है जो आपको दिखाती है कि एक फिल्म कैसे बनती है, उस फिल्म के पीछे क्या क्या होता है, और दर्शकों को ये ज़रूर पसंद आएगा ये फिल्म। बट व्हाई इट टेक 14 इयर्स? ऐसे क्योंकि कोई इसको रिलीज़ नहीं करता है ना, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, कोई इसको चलाता ही नहीं है। तो जब मैंने जी की टीम को ये फिल्म दिखाई तो जी की टीम को बहुत पसंद आई, उनको वाकई फिल्म बहुत पसंद आई, उनको लगा कि हाँ हमें हमारे चैनल पे ये फिल्म दिखानी है। तो मुझे खुशी हुई कि उनको इस मटेरियल पे भरोसा है। और फिर जब उन्होंने कहा कि हम कैसे पेश करेंगे, तो मैंने कहा यार मैं आई वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो ये बातों से आइडिया आया कि हम लोग लाइव करते हैं, मैं लोगों से बातचीत करता हूँ, और चूँकि ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है रियल लाइफ के बारे में है, तो लोग देख कर मुझे सवाल भी पूछ पाएंगे। इट कैन बी एन इंटरैक्टिव सेशन विच आई थॉट। वो इतने छोटे पैमाने पे रिलीज़ हुई है कि ना के बराबर, दो सिनेमा हॉल में एक हफ्ते के लिए शायद कुछ 100-200 हज़ार लोगों ने देखा होगा। हिंदुस्तान में तो 1.2 बिलियन लोग हैं, तो इट्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिलीज़ नहीं हुई है। और हम डॉक्यूमेंट्री का प्लेटफॉर्म ही नहीं है हिंदुस्तान में रिलीज़ करने के लिए, तो अगर आप रिलीज़ करना भी चाहें तो आप कैसे करेंगे। अब चूँकि लोगों ने बड़े पैमाने पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी है और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आई है, तो अब और भी डॉक्यूमेंट्रीज लोग देखना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे। दे विल गिव इट अ चांस, दे विल गिव इट अ शॉट। डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसी है कि हिंदुस्तान में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते ही नहीं है, हमारे शायद कल्चर में नहीं है या हमको उस चीज़ की आदत नहीं है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने की। और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बढ़ावा दें, डॉक्यूमेंट्री फिल्म लोग देखना शुरू करें, और शायद एक बड़े पैमाने पर आज हिंदुस्तान ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है तो उनको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का एक चस्का लगेगा, एक मज़ा आएगा, उनको लगेगा हाँ यार ये होती डॉक्यूमेंट्री फिल्म कि असली लाइफ के बारे में हम आप दिखा रहे हैं, चाहे वो लगान के बारे में हो, कल को आप डॉक्यूमेंट्री किसी और चीज़ के बारे में भी बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था टू इंट्रोड्यूस पीपल टू अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कि आप एक लेट मी कंप्लीट कि आप एक बड़े पैमाने पर ये फिल्म देखें। और इसीलिए अगर मैं उनको खुल के बोलता कि भैया ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है तो लोग डॉक्यूमेंट्री सुन के डर जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मत देखो। हालांकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। तो हमको लगा कि अगर हम कम बताएं लोगों को, जितना हम कम बताएं उतना बेहतर है, और फिर लोग खुद तय करेंगे जब वो देखना शुरू करेंगे कि उनको देखना है नहीं देखना है, मज़ा नहीं आ रहा है चैनल चेंज कर दो, और हज़ार चीज़ें टी वी पर देखने के लिए। दूसरी खुशी की बात यह है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि फिल्म टीवी पे लाइव चल रही है और हम लोग भी लाइव बैठे हैं और हम लाइव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑडियंस के रिएक्शन का, चाहे वो ट्विटर के ज़रिए हो, चाहे वो फ़ोन कॉल के ज़रिए हो, एसएमएस के ज़रिए हो। तो ये एक नई चीज़ हमने आज पहली दफ़ा की है और मुझे बड़ा मज़ा आया वो करके, कि मैं फिल्म भी देख रहा हूँ और लोगों से बातचीत भी कर रहा हूँ, हम कलेक्टिवली जैसे कि वो फिल्म देख रहे हैं घर पर बैठ के, मैं भी उसी वक्त उसी उनके साथ फिल्म देख रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि लोगों को पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, लेकिन जिस तरह से हम लोग ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि जो ये एक फिल्म जो आमतौर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोग हिंदुस्तान में देखते नहीं, तो एक तो उनको ये फिल्म पसंद आई, मुझे बड़ी खुशी है। आई सजेस्टेड करण नेम एंड आई एम सो ग्लैड करण एक्सेप्टेड बिकॉज ही इज़ अ वंडरफुल होस्ट, ही इज़ वंडरफुल होस्ट। I would like to see a making of Mughal-e Azam because मुझे पता है कि उसमें 11 साल लगे, मुझे पता है कि financially के आसिफ साहब went through lot of stress and tension, you know. Also the set was not working with the lights. The sets, lights, I mean, our actors 10-11 साल लगे फिल्म बनाने में, तो उसकी कहानी क्या हुई होगी, और वो भी बहुत ही बड़े स्केल की फिल्म थी। मतलब आज हम वॉकी टॉकीज के साथ शॉट लेते हैं कि वहाँ से गाड़ी भेजो धूम-3 में तो 10 गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जान निकल जाती है। मुगले आजम में तो वॉर सीन्स हैं, वहाँ से हाथी भेजो और अगर हमको बोलना है कि नहीं कट 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 तो आप कैसे बोलेंगे, वॉकी टॉकी नहीं है। वन मोर लेना है, हाथियों को टर्न करो, वो अब जाएंगे 1 मील दूर, फिर वहाँ से शुरू करेंगे। जस्ट इमेजिन व्हाट अ डिफिकल्ट प्रोसेस दैट वुड हैव बीन।
यू नो विदाउट कम्युनिकेशन. आज हमारे पास कम्युनिकेशन है, आज हमारे पास सेलफोन्स हैं, आज हमारे पास इतना है. उस वक्त तो सिर्फ मैं आपको जब झंडा दिखाऊंगा आप लोग वहाँ से आना, उस टाइप का कम्युनिकेशन होता है. एक्चुअली ऑल द फिल्म्स वी डॉक्यूमेंट, बट द थिंग इज दैट यू नीड अ पर्सन लाइक सत्या हु हैज द विजन कि यार ये जो डॉक्यूमेंट हो रहा है इसमें मुझे एक कहानी नजर आ रही है. वरना तो हम बिहाइंड द सीन्स तो हर फिल्म का शूट होता है. आई थिंक ओनली टाइम मशीन. वुड यू स्टिल मेक इट? अब तो बहुत, आई मीन इट्स बीन एजेस नाउ, 20-25 साल हो गए, तो अब तो शायद वो नहीं बनेगी. लेकिन आई विश वी हैड, दैट्स माय ओनली इनकम्प्लीट फिल्म ऑफ माय करियर. तो आई विश आई नेवर हैड एनी इनकम्प्लीट फिल्म्स, बट उसका भी कुछ नहीं किया जा सकता. बाकी आई डोंट रिग्रेट नॉट डूइंग फिल्म्स, यू नो. कोई फिल्म मुझे ऑफर हुई मैंने नहीं की, वो चीज़ मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद उस फिल्म के लिए सही नहीं था. अगर वो फिल्म कामयाब भी हुई है तो वो इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि उसमें कोई और स्टार था और वही ही वॉज मेंट टू डू दैट फिल्म, एंड आई डिडंट बिलीव इन इट, सो आई वुड हैव स्पॉइल्ड इट. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.